हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम फिटर पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बिग अपडेट जो कि होने वाली है दोस्तों पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक छात्र बिना परीक्षा पास आपको जो थंबनेल पर दिख रहा होगा उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या सच्ची में ऐसा होगा। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या अपडेट निकल कर आ रही हैं, जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हमारे चैनल पर जो है हर रोज़ आईटीआई, ठीक है, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की जो जॉब अपडेट्स होती हैं उनकी जॉब अपडेट दी जाती हैं यहाँ पर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स की। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए, आइए देख लेते हैं क्या है। देखिएगा दोस्तों, आज ही का न्यूज़पेपर में जो आई है अपडेट वहाँ पर आई है, पॉलिटेक्निक में दूसरे व चौथे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट। अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि सर हमारा तो ईयरली एडमिशन था, हम सेमेस्टर से नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए बता दूं कि दूसरा सेमेस्टर यानी कि दूसरे और चौथे सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का जो है दूसरे सेमेस्टर व चौथे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट। तो पॉलिटेक्निक का जो दूसरा सेमेस्टर होता है वो होता है फर्स्ट ईयर की परीक्षा, ठीक है, और चौथा सेमेस्टर आपका जो होता है वो होता है सेकंड ईयर की परीक्षा, ठीक है, याद रखिएगा। जिनका दोस्तों ईयरली जो सिस्टम है पॉलिटेक्निक में, जैसे कि सेमेस्टर वाइज जिनका है वो यहाँ पर समझ गए होंगे कि दूसरा सेमेस्टर आपका जो होता है वो होता है फर्स्ट ईयर का दूसरा सेमेस्टर, और चौथा सेमेस्टर जो होता है आपका वो होता है सेकंड ईयर का दूसरा सेमेस्टर। और अगर आपका ईयरली पॉलिटेक्निक है तो आपके लिए फर्स्ट ईयर समझ लीजिए और सेकेंड ईयर समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट किए जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर निर्देश जारी जो हुए हैं, अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर का हम बोलें तो उनको एग्जाम देना होगा। इसके लिए 1 सितंबर से पहले वो 15 से तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, ठीक है, 1 सितंबर से तो पहले सेमेस्टर की और 15 से तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो जाने वाली है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं, देखिए, प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्रों के प्रमोट होने या परीक्षा कराए जाने को लेकर चल रही ऊहापोह खत्म हो गई है। कोरोना काल में अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी होगी, याद रखिएगा, अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी होगी, जबकि दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। विशेष सचिव ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। आगे देखते हैं, देखिए लिखा है, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार ने बताया कि कक्षाएं चलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराने, उसके बाद छात्रों की परीक्षाएं और असाइनमेंट आदि जमा कराने के निर्देश दे दिए हैं, ठीक है। तो इनका जो है असाइनमेंट जमा होने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं कॉलेज में। देखिए, 17 अगस्त से 5 सितंबर तक कक्षाएं चलाकर पाठ्यक्रम पूरा कराने की बात कही गई है। देखिएगा, 17 अगस्त से 5 सितंबर तक जो है आपका पूरा कोर्स करवाने की बात यहाँ पर कह दी गई है, आदेश आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा है, अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाओं को 7 सितंबर से 12 सितंबर के मध्य कराने की तैयारी है। याद रखिएगा, 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच जो है आपके फाइनल ईयर के एग्जाम करवाने के आदेश यहाँ पर आए हैं। फिलहाल सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को 31 जुलाई तक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। नए दाखिले वाले पहले सेमेस्टर से छात्रों का शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर और तीसरे व पाँचवें में जाने वालों का 15 सितंबर से शुरू होगा। तो नया सत्र जो हो रहा है उसमें पहले सेमेस्टर के छात्र जो शुरू करेंगे वो 1 सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, और तीसरे और पाँचवें में जाने वाले जो छात्र हैं वो 15 सितंबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा, देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम डेट भी इन्होंने बताई है कि सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को 31 जुलाई तक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, याद रखिएगा, और अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाओं को 7 सितंबर से 12 सितंबर के मध्य कराया जाना है, ठीक है। 7 से 12 के बीच में आपका जो है फाइनल ईयर वालों और फाइनल सेम वालों की एग्जाम करवाने की बात यहाँ पर कही गई है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आप लोगों के लिए, ये एक खुशखबरी है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए या दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए कि उनको जो है सीधा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, उनका कोई एग्जाम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टाटा दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।